अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल धरती वास। मैं उम्मीद करता हूं कि सब देखने वाले अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हूं और आप सब के लिए नेक ख्वाहिशात और ढेरों दुआओं के साथ आज एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी फरमा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ मोहब्बतों का सबूत दें। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आप सब को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का जो व्लॉग है ये हम लोग जयपुर जा रहे हैं, आपको आज जयपुर शहर का विज़िट कराते हैं, आइए मेरे साथ। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। अभी मैं जा रहा हूँ खानपुर मुंजवाला से जयपुर साइड की तरफ, रास्ते के मनाजिर आपको दिखाता रहूँगा। तंबाकू की फसलें हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार की हुई हैं काश्तकारों ने, अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता करे। हमने क्रॉस किया ये चौकी है पेट्रोलिंग पुलिस की, यहाँ पे सकोटे बहुत हैं क्योंकि ये पूरा इलाका, ये पूरा बेल्ट तंबाकू का है, तो तंबाकू के यहाँ पे स्कोटे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे ये साइड पे आप देख सकते हैं बाग है, आम है, इसमें हर तरह के फल हैं, तो इसको कोई चार दीवारी का ख़ास सिस्टम नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसको सीजनल नुकसान होता होगा अगर इसकी प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है तो। बहुत ही प्यारे मंज़र हैं, नज़ारे हैं, बड़े बड़े सकोटे यहाँ पे बने हुए हैं क्योंकि तंबाकू की जो प्रोडक्शन है इस इलाके में बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये भट्टियाँ बनी हुई हैं जहाँ पे टाइल और टस्सू वगैरह बनते हैं, बहुत ही अच्छे किस्म के आला क्वालिटी के यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है इसका भी। सामने ये पठानों के खाना बदोश जो पठान होते हैं जो दरख्तों का काम करते हैं उनकी खैमा बस्ती है, ये देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। रक्शे वाले का तेल ख़त्म हो गया तो मोटरसाइकिल वाला उसको धक्का लगा के जा रहा है। आजकल के दौर में कुछ भट्टों पे देखने को मिला है कि वो ट्रैक्टर के साथ ईंटें बना रहे हैं, लेकिन नहीं। अभी हम लोग ये जो फाटक है उसको क्रॉस किया है, जयपुर शहर में इंटर हो चुके हैं, स्कूल को छुट्टी हो चुकी है और ये मोटरसाइकिल मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। अगर पंजाब की समझो ये बड़ी मार्केट कहें तो बेजाना होगा, बहुत ज़्यादा दुकानें, बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिलों का कारोबार होता है यहाँ पे। अभी इंतज़ामिया ने कुछ गैरत के कैप्सूल खाए हैं, ये रोड नया बना के दिया, पहले तो इस पर बहुत बड़ा पानी होता था। अभी हम लोग ये जो बस अड्डा है इसको क्रॉस किया, हम लोग जा रहे हैं डेरा चुंगी की तरफ। यहाँ पे टर्न लिया है डेरा चुंगी से भट्टी चौक की तरफ हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे एक दर्जी को कपड़े देने हैं सिलाने के लिए। तो बहुत ही कदीमी शहर है, आप लोग जो जयपुर के बारे में मालूमात रखते हैं वो देखते होंगे, सुना होगा। तंग गलियाँ हैं, पुराना कल्चर, पुराना हिसाब, पुराने मकानात, सब कुछ देखने को मिलता है जब भी इसमें इंटर होते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह। अभी इधर रुके हम लोग, यहाँ पे थोड़ा एटीएम से ख़र्चा पानी निकालना था। यहाँ पे ये टैक्सियाँ खड़ी होती हैं रेंट के लिए, कारें। ये देखें जी, ये गोभी जा रही है रेड़े पे,
डॉक्टर मुख्तियार अहमद हमदानी, यहाँ पे घोटे वाले ने बहुत अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत झंडियाँ लगाई हुई हैं रंग बिरंगी। क्या ही बात है जामपुर की, वाह भाई वाह। अभी हम दर्जी के पास पहुँचे, उसको सूट दे रहे हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। शुक्रिया।